जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का एवं मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मेरे मेंबर्स, मेरी माता है, मेरी बहनें, मेरे मित्र, मेरे भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना चैनल है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, आज का मुझे उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय आपके जीवन से दरिद्रता को दूर कर देगा। और जब दरिद्रता दूर होती है तो धन ही धन हमारे जीवन में आता है। दरिद्रता एक, आपको मैं क्या बताऊं, जब जिसके घर में दरिद्रता आ जाती है ना, उससे पूछिए। मेरे पास कितने ही फोन आते हैं डेली, मैं हजारों फोन, मैं ही स्वयं लग रहा 500 से 1000 फोन डेली रिसीव कर लेता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक फोन आते रहते हैं। इतने लोग दुखी है जीवन में, क्योंकि दरिद्रता, जिसके घर में दरिद्रता आ गई, वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, एक एक दाने को मोहताज हो जाता है। सुबह खा लिया तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम को खा लिया तो सुबह का ठिकाना नहीं। इतनी दरिद्रता आ जाती है लोगों के जीवन में। अब जब पैसे नहीं होंगे दरिद्रता तो आएगी। तो आज का मुझे उपाय बताने जा रहा हूँ, इससे आपको श्री हरि विष्णु की इतनी अपार कृपा होगी आपके ऊपर कि दरिद्रता दूर हो जाएगी और धन आने लगेगा। धन ऐसे आने लगेगा कि आप सुबह भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे और 5 लोगों को भी खिलाएंगे, ऐसा धन आपके पास आने लगेगा। चिंता बिल्कुल मत करिए। आप मेरी फैमिली के जितने मेंबर्स देख रहे हैं, आपसे ज्यादा मुझे आपकी चिंता है, आपसे ज्यादा, क्योंकि आप सभी फैमिली वालों के चेहरे पे मैं मुस्कान देखना चाहता हूँ। आपके घर में मैं समृद्धि देखना चाहता हूँ। आपके घर में मैं जितने भी संकट सबको दूर देखना चाहता हूँ, आपके सारे दुखों को दूर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमेशा आप प्रसन्न रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, आपके जीवन में कभी कोई दुख ना रहे। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि एक बार जो भी व्यक्ति दुखी है, अपनी कुंडली अवश्य दिखाए, अपनी डिटेल्स मुझे भेजिए। आपके पास अपनी डिटेल नहीं है तो अपने बच्चे की डिटेल्स भेज सकते हैं, बच्चे की भी नहीं है तो परिवार में किसी की भी डिटेल्स आपको बताए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। क्योंकि कुंडली एक बार अवश्य दिखाई, उससे ही पता चलेगा कि आपके जीवन में इतना संकट आ क्यों रहा है, इतनी दरिद्रता आ क्यों रही है, धन क्यों नहीं आ रहा। उसकी छोटी सी सेवा राशि रखी गई, सेवा राशि देकर के आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सारे उपाय बताऊंगा, सारी रेमेडीज बताऊंगा, किस कारण आपको प्रॉब्लम हो रही सब कुछ बताऊंगा। पर कुंडली अपनी एक बार आप लोग अवश्य दिखाइए, इस अति उत्तम है, बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी मेरे फैमिली के लोग हैं, देखते डेली वीडियो पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, आपका चैनल है, करिए, नहीं करना है नहीं करिए, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, आपका चैनल है, आपको अपना चैनल स्वयं संभालना है। अब देखिए करना क्या, आपको ध्यान सुनिए। गुरुवार वाले दिन मैं 2 फलों के बारे में बता रहा हूँ जो श्री हरि विष्णु बहुत ज्यादा प्रिय हैं। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके ऊपर उनकी पत्नी लक्ष्मी है वो तो प्रसन्न हो ही जाएंगी। भैया जब पति खुश, पत्नी भी खुश, जब विष्णु जी खुश तो लक्ष्मी जी भी खुश, ठीक है। अब वो करना क्या है, गुरुवार वाले दिन केला और आम का भोग भगवान को लगाइए अपने घर में, और प्रसाद को आप सभी लोग खाइए। या फिर गरीबों में भी भोग लगाने के बाद, यथा जैसे आप ज्यादा केला आम नहीं बांट पा रहे, 1 दर्जन केला ही बांट दीजिए भोग लगा करके गरीबों को। अगर आपको ज्यादा पैसा है तो आप मंदिर में भोग लगाइए, कोई उसमें केला और आम का गरीबों को और जो साधु संत उनको और जो असहाय लोग हैं उनको, जो जरूरतमंद है उनको, एक एक केला का प्रसाद, एक एक आम का प्रसाद। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं केले से और आम से, बिल्कुल बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यथासंभव हर गुरुवार को 1 केला 1 आम, 2 केला 2 आम, 5 केले, 10 केले, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आप हर गुरुवार को केला और आम का भोग अवश्य लगाया करिए। ये आप नियम चालू कर दें, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी घर की दरिद्रता समाप्त होने लग जाएगी, धीरे धीरे आपके घर की दरिद्रता समाप्त होने लग जाएगी। सब लोग केले का भोग लें, आम का भोग लें, और बाहर अगर आप भोग लगा रहे हैं तो लोगों को बांटें, जितना आपके शक्ति है, जितना आप संभव है आपके बजट में, उतना आप बांटें गुरुवार को, बहुत उत्तम रहेगा, इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। गुरुवार वाले दिन आपको करना है, ध्यान रखिए। और जैसे श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो ही जाएंगे, पर आपके जीवन में न दरिद्रता रहेगी, न दुख रहेगा, और ना पैसों की जो झंझावात है ना वो रहेगी। खूब पैसा आएगा, खूब दान पुण्य करिए, खूब आनंद करिए, बिल्कुल। एक मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, कि अपने बच्चों को सुंदर संस्कार अवश्य दीजिए। शुरू से उन्हें केवल संस्कारवान बनाइए, क्योंकि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत यदि सपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं इतना कमा लेगा। यदि पूत कपूत तो कितना भी धन संचय कर लो सब बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, यदि आप चाहते हैं कि वो बड़े होकर के आपकी सेवा करें। केवल बच्चों को ये मत सिखाइए कि तुम्हें बड़े बनकर के ये बनना है और केवल धन कमाना है,
धन कमाने के लिए केवल बच्चों को बड़ा मत कीजिए, केवल शुरू शुरू धन कमाने के सपने मत दिखाइए, बेटा आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, तो बच्चा बंद हो जाएगा, धन भी कमा लेगा, आपको छोड़ देगा, आप घर में ही पड़े रह जाएंगे, अपनी पत्नी के साथ भाग जाएगा बाहर, आपको पूछेगा तक नहीं, क्योंकि आपने उसको केवल धन कमाना ही सिखाया था, वो वही कर रहा है। संस्कार तो शुरू से डाले नहीं। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा धर्म की सेवा करे, सनातन धर्म की सेवा करे, आपकी सेवा करे, अपनी संस्कृति को अपनाए, तो आपका कर्तव्य कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता के आधे आधे घंटे 20-20 मिनट चरण अवश्य दावा करें। यदि ये आपने कर लिया तो सूर्य भी आपका मजबूत होगा और चंद्र भी आपका मजबूत होगा, तो आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को सुंदर सुंदर संस्कार अवश्य डालें। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे।